आपको चाहिए स्ट्रीट का खाना, आपको चाहिए हाइजीनिक खाना, आपको चाहिए कॉस्ट इफेक्टिव खाना। अब तीनों चीज़ का कॉम्बिनेशन कैसे लगाना, तो आज जहाँ हम आए हैं इस जगह पे आपको खाना कॉस्ट इफेक्टिव भी है, स्ट्रीट स्टाइल में भी है और साफ़ सुथरा भी है। तो मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन, और आज एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा स्पेस हमने आपके लिए डिस्कवर किया है जहाँ बहुत ही बेहतरीन स्ट्रीट स्टाइल में खाना मिलेगा। तो चलिए इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। लोकेशन आपको समझा देता हूँ, हम लोग यहाँ अभी अटल पथ के सर्विस लेन पे, और सामने मेरे शिवपुरी का जो सब्जी मंडी है वो है। जब आप उससे आगे बढ़ेंगे तो आपको गंजी फैक्ट्री, यहाँ पे एक लैंडमार्क है जिसे याद रखिएगा, बस आपको थोड़े ही आगे आके वहाँ पे आपको मिल जाएगा द स्ट्रीट टेस्ट। और गूगल मैप का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी पहुँचने में। हम लोग भी बैठे हैं द स्ट्रीट टेस्ट में, और हमारे साथ है आदित्य भैया जो जिन्होंने कि ये पूरा सेटअप बनाया है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, और आपने इनवाइट किया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, यू मोस्ट वेलकम जी। अच्छा ये बताइए, द स्ट्रीट टेस्ट आपने नाम रखा है, समझ में आ रहा है कुछ स्ट्रीट रिलेटेड फूड और ऐसा है, क्या है पूरी स्टोरी बताइए। बेसिकली क्या है ना कि हम लोग नॉर्मली हम लोगों के माइंड में एक मेंटालिटी हमेशा से रहती है कि है ना स्ट्रीट फूड नहीं खाना है, स्ट्रीट फूड अच्छा नहीं होगा, स्ट्रीट फूड सेफ नहीं होगा, हाइजीन नहीं होगा, गंदगी होगी, हाथ अच्छा नहीं होगा, पानी कैसा होगा। बट लोगों की मेंटालिटी को हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है। हमने अपने आउटलेट का नाम द स्ट्रीट टेस्ट इसीलिए रखा है क्योंकि है हम स्ट्रीट पर ही, आप देख सकते हैं कि ये हमारा स्ट्रीट ही है, सामने मेरे ये पगडंडी ये पेडेस्ट्रियन है और पेडेस्ट्रियन के जस्ट बगल में हम लोग हैं, तो है हम लोग स्ट्रीट पर ही, बट ये स्ट्रीट फूड का एक अपग्रेड वर्जन है द स्ट्रीट टेस्ट वर्जन, और जिसमें कि हम लोग एक लाइव काउंटर को, लाइव किचन को हम लोग फोकस कर रहे हैं, और हाइजीन सेफ्टी टेस्ट क्वालिटी हर चीज को हम लोगों ने ध्यान दिया है। दूसरी चीज ये है कि आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि आपके सामने में क्या बन रहा है और वो क्या डाल रहे हैं, हमारे शेफ जो हैं वो क्या डाल रहे हैं, कितनी मात्रा में डाल रहे हैं, कौन कौन सी चीजें डाल रहे हैं। क्या मैं अभी बताऊं, डालने पे मैं आपको रोकूंगा, खुशबू बहुत अच्छी आने लगी है, कुछ तो डाला है अलग उन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा टाइमिंग क्या रखी है आपने? टाइमिंग हमारी सुबह 6 बजे से लेकर 6 बजे से, बिल्कुल सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक है। प्रॉपर ब्रेकफास्ट, दोपहर में एक प्रॉपर मील, रात में डिनर, हर तरीके का सेगमेंट हम लोगों ने इसमें रखा है जिससे कि उन लोगों को एक ब्रेकफास्ट भी मिल सके, मील भी मिल सके, शाम का स्नैक्स भी वो ले सके और रात का डिनर भी ले सके सुबह। और ये चूंकि एन कॉलेज पास में है तो बहुत सारे स्टूडेंट भी एन कॉलेज पास में है, करियर प्लानर पास में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं। और आज इवन आज 2-3 बच्चे भी आए थे, उनका यही कहना था कि हम लोग सुबह सुबह जब इंस्टीट्यूट वगैरह हम लोग जाते हैं, कॉलेजेस हम लोग जाते हैं, तो सुबह सुबह हम लोगों को मॉर्निंग नाश्ता हम लोग को देता नहीं है, हॉस्टल में बनता नहीं है, तो हम लोग क्या करें। तो पूरी सब्जी एटलीस्ट इज अ गुड ऑप्शन। और दूसरी चीज है, मैंने उनको ये भी ऑप्शन दिया है कि आपको अगर कुछ और भी खाने का अगर मन करे कि आलू के पराठे हो, सत्तू के पराठे हो, तो आप मुझे एक दिन पहले बोल दीजिए कि भैया कल हम आलू के पराठे। ऑन डिमांड भी आपको चीजें मिलेंगी, ऑन डिमांड भी चीजें मिलेंगी क्योंकि ये लाइव काउंटर है, ये किचन जो है वो हमारा लाइव है, हर चीज यहाँ पर लाइव बनेगा, मटेरियल सारे हैं हमारे पास में, बहुत बढ़िया। आप डिमांड दो, हम आपके डिमांड को फुलफिल करेंगे। फ्रॉम आवर किचन टू योर प्लेट। अरे वाह, ये आपका टैगलाइन है जी, बिल्कुल क्या बात है, फ्रॉम आवर किचन टू योर प्लेट। और पीछे कुछ जबरदस्त बन रहा है, अभी टेस्ट करेंगे बताएंगे आपको। अच्छा ऑर्डर ले रहे हैं क्या स्विगी जोमेटो ये सबसे अभी? एक्चुअली क्या है कि स्विगी जोमेटो हमारा 10 दिन के बाद में हमारा लाइव हो जाएगा। अब ज्यादा देर वेट नहीं करेंगे भाई, अब कुछ टेस्ट करते हैं और आपको टेस्ट आपके साथ साझा करते हैं। बिल्कुल। आलू दम में से जो कसूरी मेथी की खुशबू आ रही है ना, मजा आ जाएगा आपको। एनीवेज हमने जो जो ऑर्डर किया मैं आपको एकदम संक्षिप्त में बताता हूँ, और प्राइसिंग बहुत ही नॉमिनल है। देखिए यहाँ पे लच्छा पराठा है 20 रुपए का एक पीस है, साथ में आलू दम है 120 रुपए की, और ये फुल प्लेट है। यहाँ हमने नूडल्स ऑर्डर किए हैं, ये है हाफ और 40 रुपए का, सिर्फ 40 रुपए। और जो अच्छी बात मुझे लग रही है, भर भर के सब्जियाँ दी गई है इसमें। मोमोज हैं 6 पीस 50 रुपए में, वेज मोमोज, आप ठेले पर खाएंगे तो भी शायद इस क्वालिटी का मोमो इस रेट में नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया है क्रिस्पी बेबीकॉर्न चिली, और इसका रेट है 150 रुपए। तो रेट आपको पता चल गया, बाकी पूरा जो मेन्यू का PDF है वो मैं जैसे करता हूँ आदत के अनुसार डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है PDF बना के। ट्राई करते हैं, सबसे पहले मोमोज ठंडे हो रहे हैं, पहले इसको ट्राई करके देखते हैं। बहुत डेलिकेट प्यारे से मोमोज हैं, पतली, अरे वाह इसमें तो पनीर भी है। तो जनरली मोमोज में आपको सिर्फ सब्जियाँ मिलेंगी, इसे यहाँ पनीर भी स्टफ किया गया। ये देखिए गाजर है,
पत्ता गोभी है, पनीर है, बीन्स भी दिख रहा है छोटा सा, और ये दिया गया है तीन तरह की चटनी के साथ, मतलब एक मेयोनीज है, एक हरी वाली चटनी और एक जो मोमो के साथ मिलती है लाल वाली तीखी चटनी। तो मुझे तो लाल वाली चटनी पसंद है, उसका ट्राई करके बताता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, सारी चीज़ें जो यहाँ मिलेंगी वो आपको वेज मिलेंगी, और मोमो का टेस्ट तो बहुत अच्छा है, और ये चटनी कमाल की तीखी है भाई। मैंने इसका कम आकलन कर लिया था, एक बार मैं ज़्यादा खा लिया। फुल मिर्ची वाली चटनी है, थोड़ा सा मेयोनीज के साथ खाते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। देखिए मोमो में क्या पसंद आया मुझे, फिलिंग एक तो अच्छी है, और क्या होता है ना कि जो मोमो की शीट होती है जिसके अंदर भरते हैं, बहुत मोटा बना देते हैं लोग, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, पतली शीट है, तो वो जो दांतों में चिपकता है मैदा वो वाली समस्या आपको नहीं आएगी। और ये हरी वाली चटनी, लेकिन हाँ चटनी बहुत तीखी है, तो आप लाल वाली चटनी सोच समझ के लीजिएगा। ये थोड़ी सी माइल्ड है हरी वाली चटनी, धनिया की है, शायद पुदीना भी मिलाया गया है। मोमोज मुझे पसंद आए, मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि आप मोमोज जरूर ट्राई कीजिएगा। आपने जितना भी इस तरह के प्राइस रेंज में खाया होगा मोमो, उन सबसे बहुत ही बेहतरीन रहेगा। यहाँ पर हमारे पास है बेबी कॉर्न चिली, और मशरूम में भी ये बन जाता है, हमने बेबी कॉर्न में स्पेशली बनवाया है। और जब इसे बना रहे थे, जो मैंने आपसे खुशबू वाली बात की, उस वक्त एक्चुअली यही बन रहा था, तो टेस्ट करके आपको बताते हैं। मैं पहले जो मिर्ची और मसाले इसके साथ भुने जाए थे, मुझे लगा था तीखा होगा, लेकिन तीखा नहीं है वैसा, उस तरह से रादर जो सॉस, अलग अलग सॉस मिलाया गया है, उसकी वजह से थोड़ा सा एक मीठापन आया है इसमें। आपको जिंजर के जूलियंस मिल जाएंगे इसमें एक दो, और बेबी कॉर्न को पहले शायद बॉयल कर लिया गया, क्योंकि जो कच्चापन रहता है बेबी कॉर्न के साथ, जो आवाज़ कर, मतलब आप खाते हैं तो थोड़ा सा कड़ा सा लगता है, वो चीज़ नहीं है इसमें। स्नैक्स के लिए अगर आपको मंच करना है तो बेस्ट आइटम है इसके साथ। मैं वैसे रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी आप अगर एक कोल्ड ड्रिंक लेके बैठे तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि इसका जो टेस्ट है और कोल्ड ड्रिंक का फ्लेवर, वो एक बहुत बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बनाएगा। शाम के समय बेस्ट चीज़ है भाई। देखिए जैसा मैंने आपको कहा था, कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मोमो की चटनी ने हिला दिया। एनीवेज हम लोग आते हैं अब नूडल्स पे, और जो मुझे एक अच्छी चीज़ लगी इधर चिली में भी, बेबी कॉर्न चिली में भी, कि कलर्स नहीं यूज़ किए जा रहे हैं, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, जो भी है सब नेचुरल है। अब यहाँ भी आपको हल्का सा एक रेड कलर दिख रहा है, वो जो इसमें बीटरूट चुकंदर डाला गया है उसकी वजह से है। ट्राई करके बताते हैं। और सब्जियाँ बहुत है, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है। नो अजीनोमोटो, पहले टेस्ट में ही पता चल गया। अब जब आप अजीनोमोटो नहीं डालते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो वो आह वाला जो टेस्ट होता है ना, वो नहीं मिलता। लेकिन हेल्थ वाइज ये बहुत अच्छा है, हेल्दी है। एक तो कि सब्जियां अच्छे से हैं, दूसरा इसे जिस तरह से पकाया गया है, बिना कलर के, बिना कोई ऐसा चीज़ डाले हुए जो हम घरों में नहीं इस्तेमाल करते, तो उस नज़रिए से टेस्ट और हेल्दी, ये दोनों है, टेस्टी और हेल्दी दोनों है। मज़ा आ गया चाइनीज़ आइटम ट्राई करके और मोमोज ट्राई करके। अब ये लच्छा पराठा में ट्राई करते हैं, प्रॉपर लच्छा बना हुआ है ये, देख रहे हैं आप, एक 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 जो रेशे टूट जा रहे हैं। मैदे का बनता है ये पराठा, नमक वमक डाला गया हुआ इसमें। एक मिनट, पहले मैं एक ऐसे टेस्ट करके आपको बताता हूँ। नमक क्रिस्प करने के लिए जो मैन डालते हैं वो, और अच्छे से बनाया गया। अब लच्छे के साथ आलू की जो ये सब्जी है ना, ये जब बन रही थी उस वक्त भी मैं देख रहा था इसको बनते हुए, बाप रे गर्म है, फुल मसालेदार एकदम, अरे सही, फुल मसालेदार बनाया गया इसको। लहसुन वहसुन छोटा सा, मुझे लहसुन का टुकड़ा भी दिख रहा है ऊपर से डाला हुआ। टेस्ट करके आपको बताते हैं। एज एक्सपेक्टेड मस्त मसालेदार जिसको बोलते हैं। मतलब आप इसे अगर पराठा या पूरी के साथ खाएं, अगर मैदे वाली पूरी मिल जाए आपको, बहुत मज़ा आएगा। ये सब्जी का जो आप घर में खाते हैं ना, उसमें थोड़ा सा एक तड़का लगा दीजिए, कसूरी मेथी और जिंजर और ये सब लहसुन है सबका, और जो टेस्ट आएगा ना, बहुत मज़ा आएगा आपको।
नाश्ते के लिए, डिनर के लिए बेस्ट है। मुझे लगता है कि मैं यही खाऊंगा अभी सारा, बहुत अच्छा लगा। एनीवेज अब मैं जरा एक बार अपना फाइनल वर्डिक्ट दे दूं जल्दी जल्दी में, क्योंकि गर्मी भी लग रही है, तीखा खा लिया मैंने और खाना भी टेस्टी है। तो अगर हम लोग रेटिंग के लिए बात करेंगे, तो जैसा आपको पता है मैं रेटिंग नहीं देता खाने की, मुझे पसंद नहीं है खाने की रेटिंग देना, क्योंकि हर खाना अपने में अच्छा होता है। अब आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं, मैं उसके लिए बता दूंगा। आप ये आलू वाली सब्जी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खतरनाक है, ठीक है। मोमोज ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा आएगा आपको। बाकी नूडल्स और जो बेबी कॉर्न है वो भी आपको पसंद आएंगे, ट्राई करने के लिए आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं एकदम रिकमेंड करूँगा तो आप ये आलू की सब्ज़ी और मोमोज, मोमोज क्योंकि मुझे ऐसा मोमोज नहीं मिलता स्ट्रीट पे, इस तरह का फोल्ड किया हुआ इतने अच्छे से। जनरली आपको पता है आप अगर मोमोज खाते हैं तो बहुत सारा मैदा होगा उसमें, उसको फोल्ड भी किया जाएगा अलग तरीके से, गोल सा ऊपर से इतना मोटा सा मैदे का एक टुकड़ा रहेगा, अंदर में सब्जियां कम रहेगी। तो मोमोज ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेट और क्वांटिटी बहुत अच्छी है, और ये आलू की सब्ज़ी इस पराठे के साथ दिल खुश हो जाएगा। और हल्का फुल्का खाना है तब वो आप बाकी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। तो मैं इसे ख़त्म करता हूँ और होप आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। अगली बार आप जब आएंगे तो यहाँ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो मेरा नाम है रॉबिन, आप देख रहे हैं फूडी रॉबिन, और यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और यू नो द ड्रिल।